Hey loves, my name is Mayuri Pandya and welcome to my new video. और आज मैं बात करूँगी पीरियड्स की और गर्ल्स की मूड स्विंग्स की और कैसे आप उन्हें उन दिनों में हैप्पी फील करा सकते हो इसकी, क्योंकि लड़कियाँ जब पीरियड्स के दौरान होती हैं ना तो वो अलग ही लेवल पे होती है. मतलब कब वो गॉडज़िला बन जाती हैं, कब एक लॉस्ट पपी की तरह एक्ट करने लगती है, यू नेवर नो. भले ही आप कितने भी ज़्यादा मोस्ट पेशेंट या मोस्ट केयरिंग बॉयफ्रेंड हो, लेकिन आपके लिए भी उस टाइम पे मुश्किल हो जाता है और आपकी भी उनसे बहस या झड़प हो ही जाती है, चाहे आप कितना भी मैच्योर एक्ट करो. नॉर्मल डेज में तो उसे खुश करना इतना भी नहीं मुश्किल होता है, लेकिन जब पीरियड्स चल रहे होते हैं और वो पेन में होती है तो चाहे आप कुछ भी लाकर दे दो, लाइक आप खुद ही हेल्पलेस महसूस करते हो उसे दर्द में देखकर कि मैं क्या करूं जिससे ये थोड़ी सी खुश हो जाए या इसका दर्द थोड़ा कम हो जाए. हीट बैग, चॉकलेट सब ला के दे देते हो, मोस्ट केयरिंग बॉयफ्रेंड बन जाते हो. बट क्या इतना करना इनफ है या क्या इससे भी ज़्यादा कुछ किया जा सकता है? मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, मैं शेयर करूँगी आज की वीडियो में. तो आपको अगर मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे तो आप अप्लाई कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नंबर वन, गिव हर न्यू पैकेट ऑफ सैनिटरी पैड. इस पे तो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते कि ये छोटी सी चीज़ कितनी खुशी दे सकती है किसी लड़की को, कि लाइक उसके पीरियड के फर्स्ट डे है और आप उसे पैड का नया पैकेट ला कर दो. तो गिव हर बेस्ट सैनिटरी नैपकिन. मेरे पास यहाँ पे है एवरटीन का पीरियड केयर, ये न्यू पैकेजिंग में आया है. मेरे पास ये एक्सेल साइज़ में है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन ये डबल एक्सेल में भी आता है. अ क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम एवरटीन, मैन्युफैक्चर्ड एट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अल्ट्रा मॉडर्न एंड हाइजीनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूजिंग फुली ऑटोमेटेड टचलेस प्रोसेस. दी सैनिटरी पैड्स आर एनरिच्ड विथ नीम एंड सेफलॉर टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम रैशेज एंड टैनिंग ड्यूरिंग पीरियड्स. दीज प्रीमियम पीरियड पैड्स ऑफर टू टाइम्स फास्टर ऑब्जर्वेशन फॉर लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन इन कंपेरिजन टू फ्लफी ओनली पैड्स. द डबल फ्लैप सिस्टम इन दीज एवरटीन सैनिटरी नैपकिन्स गिव्स यू अ बेटर ग्रिप टू कीप द पैड इन प्लेस इवन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड यूज. सो दिस पीरियड केयर एक्सल 40 सैनिटरी पैड विथ एंटी रैशेज एंटी टैनिंग प्रॉपर्टीज गिव्स यू 8 लेयर प्रोटेक्शन. ओडर लॉकिंग जेल कोड सिस्टम विथ एडवांस लीक प्रोटेक्शन. बेस्ट पैड है ये. प्रोडक्ट्स लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मसाज एंड कडल्स. तुम ज़्यादा कुछ कर सको या ना कर सको, बट यूट्यूब पे कुछ मसाज टेक्निक्स देखकर उसको फुट मसाज, हैंड मसाज और बैक मसाज तो दे ही देना, क्योंकि उस टाइम पे ना पूरे बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि अच्छी टेक्निक्स के साथ दिए जाने वाले मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. लाइक नॉर्मली अगर कोई हमारे पैर दबाता है तो ऑब्वियसली आराम तो मिलता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता. तो प्लीज़ आप ये कर सकते हो कि यूट्यूब पे मसाज टेक्निक देखकर फिर उसे थोड़ा सा मसाज दे देना, हग करना, कडल करना, एंड शी विल बी फाइन. नंबर थ्री, गिव हर फेवरेट मैगजीन. वैसे अभी इतना मैगजीन वगैरह पढ़ने का ज़माना तो रहा नहीं है, तो फेवरेट जैसा हो सकता है कुछ भी ना हो उसका मैगजीन्स में, लेकिन मैगजीन एक अलग ही प्रकार का एंटरटेनमेंट है भाई. मतलब अभी भी इस पार्लर में जाते हैं ना कोई और साइड में मैगजीन पड़ी है, हाथ उसको लगे बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैगजीन में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, कुछ अजीब अजीब भी होती हैं, कुछ थोड़े से टिप्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है. तो मैगजीन दे सकते हो आप उन्हें. नंबर फोर, डोंट सिट डाउन टू डिस्कस मेंस्ट्रुएशन. ये अभी कोई ये वक्त है बताने का उसको, मतलब कि ये बताने से कि आपकी बॉडी में अभी ये चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, इसे करके ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने स्टडी कर रखी है इस चीज़ पे. ठीक है, नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज किस वक्त पे उसको बोलना है वो भी तो ध्यान रखो ना, क्योंकि अगर उसको दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है और आप बोलोगे कि तुम ऐसी ऐसी चीज़ें खाती पीती हो, तुम एक्सरसाइज नहीं करती हो, या जो भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं उसके में, जो कि यूजुअली हम सबके में होती है अनहेल्दी हैबिट्स, बट उन अनहेल्दी हैबिट्स को अगर आप उस टाइम पे बोलोगे कि इसलिए तुम्हें पीरियड्स में ना ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या उसको? तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में उसे बिल्कुल भी बात नहीं करें और उसे बैठ के बिल्कुल भी ज्ञान ना दें. जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाए तब भले उसको बताएं फॉर हर बेटरमेंट, लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं बोलना. नंबर फाइव, लूजिंग ब्लड एंड फीलिंग ब्लोटेड कैन बी प्रिटी एग्जॉस्टिंग. ब्लोटेड तो ऐसे बेवजह फील होने लगा है ना कि ऐसा लगता है गैस ही लाइफ है हमारी, हमारी लाइफ में सिर्फ गैस बचा है और कुछ नहीं है इसके सिवा. बट फिर भी खाने का मन तो चटपटा ही करता है, तो आप घर पे हाइजीनिक चाट या भेल बना के उसे खिला सकते हो, कुछ ऐसा जो चटपटा हो, मस्त तीखा, और वो घर पर बना होगा तो हाइजीनिक भी होगा, उसकी तबीयत भी नहीं ख़राब होगी. और अगर फिर भी ब्लोटेड फील हो, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा खाओ तो ब्लोटेड फील होता है, तो
आप उसको अजवाइन देना, कच्चा अजवाइन थोड़ा सा, बहुत सही रहता है, बहुत क्विकली डाइजेस्ट कर देता है। नंबर सिक्स, डज शी एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स बिफोर पीरियड? इफ़ हाँ तो इसका मतलब है ऐसे PMS की प्रॉब्लम है, मतलब कि पीरियड के एक हफ्ते पहले से ही एक गर्ल की बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और पीरियड जैसा जैसा फील होने लगता है, तो इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। और इसको क्योर करने का बहुत आसान तरीका है, रोज़ गुड़ का छोटा सा टुकड़ा खाओ तो ये चीज़ क्योर हो जाती है। और ये मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है और ये मैंने ट्राई भी किया है और ये ऐसा सच में फ़ायदा करता है। तो However, eating a small piece of jaggery can release endorphins in your body. Endorphins ऐसे कुछ है known as happy hormone, तो वो ये जगा देता है, तो या इससे आराम मिलता है। नंबर सेवन, टेक टाइम टू वॉच अ मूवी। और मूवी गलती से भी रोमांटिक वाली मत लगा देना, ऐसे ही उसके इमोशंस गोते खा रहे हैं और इमोशनल होकर रोने लग जाएगी। तो ऑलवेज चूज़ टू वॉच अ कॉमेडी मूवी ड्यूरिंग हर पीरियड्स, क्योंकि कॉमेडी मूवी देखने से वो हंसेगी और उसके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होंगे, हेल्प मिलेगी उसको, थोड़े पेन रिलीज होगा उसका। तो कॉमेडी मूवी देखो और थिएटर पे ले जाकर उसका दिन हैक्टिक करने के बजाय घर पे टीवी पे या लैपटॉप पे मूवी लगा कर देखो एंड एन्जॉय योर क्यूट सी पीरियड वाली डेट नाइट। मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आपने इस वीडियो को देखना चुना, मतलब कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें उसकी खुशी छुपी है एंड यू चोज टू वॉच दिस वीडियो, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना उन गाय फ्रेंड्स के साथ जो लगता है कि अपनी गर्लफ्रेंड की केयर करते होंगे और पीरियड्स में उनकी केयर करना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय श्री राधे कृष्णा।